सो फर्स्ट डे हमने किया ओवरनाइट सीरम, उसके बाद हमने यूज़ किया था अनियन जूस, उसके बाद हमने यूज़ किया शैम्पू, शैम्पू के बाद हेयर रिंस और उसके बाद हेयर टॉनर, जो कि मैंने आपको बोला मल्टीपल टाइम्स लगाना है। एक दिन का गैप हमने दिया है और हेयर टॉनर को मल्टीपल लगाया है और टॉनर लगाते लगाते आपके बाल हो गए हैं इतने बड़े, इजंट इट? नहीं, 5 दिन में आपके बाल इतने बड़े नहीं हो जाएंगे, आपको कंटिन्यू इसको लगाना पड़ेगा 3, 4, 6 महीने। ये जो वीकली रूटीन मैंने बताया है 6 डेज का, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपको 6 मंथ में विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इस सीरीज़ में फ्रेंड्स 2 से 3 आपको ऐसे शैम्पू बताए हैं कि कैसे आपने यूज़ करने हैं। पहला तो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आप जो हमारे सल्फेट फ्री शैम्पू बेस आते हैं उसको यूज़ करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास वो नहीं हो तो आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसको डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मामाअर्थ के शैम्पूज़ को यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पूज़ आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू के 2 से 3 वीडियो इसलिए मैंने बनाए हैं क्योंकि शैम्पू मेन है यहाँ पर, और सब लोगों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि इतनी सारी चीज़ें हम लगाते हैं तो शैम्पू से वो क्लियर हो भी पाएगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने आपको डेमो भी शेयर किया कि किस तरीके से शैम्पू करना है। सो इस सीरीज़ इसको ज़रूर 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 एक्सेप्ट करना, चाहे डिले करना, लेट करना, लेकिन इसको करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने इसमें हेयर रीग्रोथ का हेयर मास्क भी शेयर किया है जो कि एज ए हेयर डाई भी यूज़ किया जा सकता है या फिर हेयर ग्रोथ के पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों चीज़ें आपको शेयर की गई हैं वीडियो में, तो वीडियो पीछे वाले ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ के। इस वीडियो में आपको शेयर करूँगी एक मैजिकल सी रेमेडी जो कि आपने अप्लाई करनी है लास्ट डे, मीन्स लास्ट डे इसको अप्लाई करेंगे और इसको भी हम रखेंगे 1 से 2 दिन और फिर से हम शैम्पू का अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीक वही सेम चीज़ें करेंगे जो हमने इसमें की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप मेहंदी को रिप्लेस कर दीजिएगा या फिर स्किप कर दीजिएगा, जब ज़रूरत हो तब लगाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप शैम्पू, ओवरनाइट सीरम, अनियन जूस ये सारे वीकली भी लगाते हैं तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए रेमेडी को शुरू करते हैं। सीरीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा आगे कौन सी सीरीज़ चाहिए, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी शेयर करिएगा कि आपको सीरीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है या इंडिविजुअल वीडियोज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं फेनुग्रीक सीड्स, जो कि रिच सोर्स होता है आयरन का, प्रोटीन का, और इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, सैपोनिन्स पाए जाते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल इफेक्ट्स होते हैं इसमें। सो ये आपके हेयर लॉस शेडिंग को कम करता है, हेल्दी स्कैल्प देता है, आपके बालों को शाइन करता है, ग्रेइंग हेयर को कम करता है, साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करता है, डैंड्रफ को कम करता है। उसके बाद मैंने लिया है नाइजीला सीड्स। सो कलौंजी जो है वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, हेयर डैमेज को रिवर्स करती है, मॉइस्चर करती है, आपके हेयर को प्री मैच्योर ग्रेइंग को कम करती है, हेयर फॉल को कम करती है और आपके बालों में शाइन लाती है। हिबिस्कस फ्लावर्स, हिबिस्कस फ्लावर्स जो है ये आपके हेयर लॉस को कम करता है, हेल्दी और लस्टर हेयर देता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग में काम आता है, आपके हेयर को थिकन करता है, वॉल्यूम ऐड करता है, डैंड्रफ को कम करता है, फ्रिजीनेस को कम करता है, स्प्लिटेंस को कम करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है ये, तो हिबिस्कस फ्लावर ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे रोजमेरी। रोजमेरी तो आपको पता है कि आपके हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके स्किन स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, जिससे आपके ब्लड सप्लाई जो है हेयर फॉलिक्स को मिलती है और आपके हेयर स्ट्रेंथन अप होते हैं, और ये मिनोक्सिडिल को भी रिप्लेस कर देता है। येस, इसको ज़रूर 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 यूज़ करना है आपने। उसके बाद मैंने यूज़ किया है भृंगराज। भृंगराज जो है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, बाल्डनेस को इम्प्रूव करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करता है, ग्रे हेयर को ठीक करता है, स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, साथ ही साथ ये आपके हेल्दी हेयर देता है। उसके बाद फ्रेंड्स इन सबको मैंने अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है और इसको पाउडर बना लिया है ना। आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पाउडर बना लिया है और आप देखेंगे कि इसका वेट जो है अराउंड 50 ग्राम्स के आसपास है। तो उसके बाद मैंने ऑयल्स लेने हैं ना, यहाँ पे बेस ऑयल्स मैं ले रही हूँ पहले, और यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑयल्स को जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले मैंने लिया है आलमंड ऑयल जो कि 125 ml के जितना लिया है, और ये जो है इसमें B7 होता है, बायोटिन होता है, विटामिन ई होता है, तो आपके हेयर और नेल्स को काफ़ी अच्छा करता है और नेचुरल सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें नेचुरल SPF भी होता है, तो इसको आप स्कैल्प ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद लिया है मैंने ऑलिव ऑयल, जिसमें भरपूर विटामिन ई होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल क्वालिटीज़ होती हैं इसमें, जो कि आपके स्कैल्प को सूदन इफेक्ट देती हैं और काम इफेक्ट देती हैं। इसके मॉइस्चराइजेशन से ये बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, तो ड्राई फ्रिजी हेयर वालों के लिए ऑलिव ऑयल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ड्राइनेस को कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, आपके क्लॉग्ड फॉलिक्स को भी अनक्लॉग करता है और इरिटेशन को रिड्यूस करता है। डैंड्रफ और क्लॉग्ड फॉलिक्स जो होते हैं वो मेन रीज़न होते हैं आपके हेयर लॉस के, सो उसको ठीक करता है। तो अल्टीमेटली ये आपके हेयर की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो ये दोनों ऑयल्स मैंने डाल दिए हैं। सो इसमें मैंने ब्लेंड किया हुआ सारा मटेरियल इसमें डाल दिया, ये अराउंड था 50 ग्राम्स के आसपास, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें कुछ पाउडर्स भी डाले हैं, जिसमें कि पहला मैंने डाला है मोरिंगा लीव्स का पाउडर। मोरिंगा लीव्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसका हेयर मास्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और उस वीडियो के नीचे बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं एंड इट्स रियली वेरी अमेजिंग इंग्रेडिएंट अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहें। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे नीम पाउडर, घर पे बना हुआ नीम पाउडर। ये आपके स्कैल्प में लाइक अभी गर्मी है तो आपको इचीनेस और पसीना होता है तो उसको ठीक करता है। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे आंवला पाउडर, ये घर का बना हुआ आंवला पाउडर है, एक चम्मच के जितना डाल दिया है मैंने, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके ये अराउंड 10 ग्राम्स के आसपास है, उसको मैंने डाल दिया है इसी ऑयल में और इसको मैंने धूप में रख दिया है। आप धूप में रख के भी इसको बना सकते हैं, अदरवाइज डबल बॉयलर मेथड से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपने पैन लेना है, पानी डालना है, उसके अंदर बॉटल को डाल देना है और इसको थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे बॉईल होने देना है और फिर ढक छोड़ देना है और इसी पानी में रहने देना है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी बॉटल छोटी है लाइक पतली है तो आपको लगता है कि ये टूट ना जाए तो आपने पानी को अच्छे से गर्म कर लेना, उसी के अंदर बॉटल रख दीजिएगा, नीचे से गैस को ऑफ कर दीजिएगा, इसका सारा का सारा न्यूट्रिशन इसके अंदर आ जाएगा और आप इसको फिर रिपीट कर सकते हैं नेक्स्ट डे। और अगर आपके घर में धूप आती है तो धूप में ज़रूर रखिएगा और 7 डेज तक रखिएगा। और अगर आप डबल बॉयलर मेथड से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डबल बॉयलर मेथड से करिए, यूज़ करना शुरू कर सकते हैं आप उसी दिन से और डेली आप 3 से 4 दिन लगातार इसको डबल बॉयलर मेथड से करें और फिर इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को इसमें रहने भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसको कपड़े की हेल्प से छान सकते हैं। उसके बाद इसमें डालना है ब्लैक कैस्टर ऑयल। नाउ ये जमैकिन का ब्लैक कैस्टर ऑयल है, क्यों ये डिफरेंट है हमारे नॉर्मल वाले कैस्टर ऑयल से? जो नॉर्मल कैस्टर ऑयल होता है उसमें आपको कैस्टर बीन से ऑयल निकलता है और ये जो है ये जमैकिन कैस्टर बीन से निकाला जाता है। नाउ नॉर्मल कैस्टर ऑयल जो है वो येलो कलर का होता है और ये वाला ब्लैक कलर का होता है। नॉर्मल कैस्टर ऑयल लो पीएच होता है और इसमें हाई पीएच होता है, वो सेंटलेस होता है, इसमें आपका रोस्टेड बीन्स का सेंट आता है। नाउ ये कोल्ड प्रेस मेथड से बनाया गया होता है, अदरवाइज ये जो ब्लैक कैस्टर ऑयल है ये आपके कैस्टर बीन्स को रोस्ट करके ग्राइंड करके थिक पेस्ट बना के फिर उसको बॉयल करके पानी में फिर बनाया जाता है। नाउ इसमें बहुत कम प्रोसेसिंग लगती है नॉर्मल वाले कैस्टर ऑयल बनाने में और जो ब्लैक कैस्टर ऑयल है उसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं। कैस्टर ऑयल लेस इफेक्टिव होता है, ब्लैक कैस्टर ऑयल मोर इफेक्टिव होता है देन कैस्टर ऑयल। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा और इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ भी किया, आपने देखा भी होगा एंड इट्स रियली अमेजिंग। अगर आप रिप्लेस कर पाएँ अदरवाइज नॉर्मल वाला यूज़ कर लीजिएगा। इस ऑयल को आपने अप्लाई करना है अपने हेयर पे, उसको अप्लाई करने से पहले अपना सीरम लगाइएगा फिर अप्लाई करिएगा और छोड़ दीजिएगा इस हेयर ऑयल को एक दिन के लिए और नेक्स्ट डे आपने वॉश करना है। इफ़ यू वांट तो आप इसको 2 दिन भी छोड़ सकते हैं और फिर लास्ट डे वॉश करिएगा। आपका वीक, पूरा वीक में इतना अच्छा नरिशमेंट आपको मिल गया है कि आपको फिर से इसको जब रिपीट करेंगे तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कंसिस्टेंटली जब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि लोग आपको बोलेंगे कि यस क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपके बाल हेल्दी से होते जा रहे हैं। चलिए आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, सीरीज़ अच्छी लगी होगी, कौन कौन सी सीरीज़ और आनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है।